हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SND एजुकेशन। फ्रेंड्स, आपके लिए आज से वापस मैं रिक्रूटमेंट्स लेके आना शुरू कर रहा हूँ। बीच में कुछ रीज़न से मैंने चैनल को बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था, बट वंस अगेन वी विल स्टार्ट अवर जर्नी। यहाँ पर आज के लिए जो रिक्रूटमेंट मैं लेके आया हूँ, ये है रिक्रूटमेंट आपके लिए जो कि सिंगरेनी क्वालरीज कंपनी लिमिटेड की तरफ से देखने को मिल रही है। और रिक्रूटमेंट की अगर बात की जाए कैरियर्स, तो यहाँ पर ITI होल्डर्स के लिए है ना, एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एंड BTech होल्डर्स के लिए, ठीक। और यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है क्योंकि 327 पद पर वैकेंसी निकाली गई है। वैसे ये रिक्रूटमेंट एक महीने पहले से चल रही थी, लेकिन अभी वापस से इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, जो कि 4 जून तक एक्सटेंडेबल है, ठीक। अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और SND एजुकेशन के साथ में वंस अगेन जुड़ जाएँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके लिए जो रिक्रूटमेंट है वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों के लिए देखने को मिल रही है। यहाँ पर ये आपके जो डेट बढ़ाई गई है, ये दोपहर 12 बजे 15 मई से वापस एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 4 जून तक शाम 5 बजे तक रहने वाला है। एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट की अगर बात की जाए, तो ENM मैनेजमेंट ट्रेनी 42 वैकेंसीज है, मैनेजमेंट ट्रेनी सिस्टम्स इनके लिए 7 वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी मैं आपको आगे बताऊँगा। नॉन एग्जीक्यूटिव NCWA कैडर पोस्ट है, जिसमें जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनी JMET की 100 पोस्ट है, असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी मैकेनिकल इनके लिए 9 पोस्ट है, और इसी के साथ में इलेक्ट्रिकल के लिए जो कि फॉरमैन ट्रेनी है 24, फिटर ट्रेनी कैटेगरी 1 47 वैकेंसीज है, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी के लिए 98 वैकेंसीज हैं। दोनों ही कैटेगरी 1 में आते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए BE BTech इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर IT और रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होगा तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ में जूनियर माइनिंग इंजीनियर ट्रेनी, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है रिलेवेंट इंजीनियरिंग ट्रेड में, और इसी के साथ असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और फिटर ट्रेनी और इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी के लिए ITI किया होना जरूरी है या फिर इक्विवेलेंट ITI होना चाहिए आपका फिटर और इलेक्ट्रिशियन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑफिशियली मैंने जो नोटिफिकेशन की जो एक्सटेंडेबल है उसके लिए ये एक पॉपअप देखने को मिल रहा है, जिसमें नोटिफिकेशन नंबर आपको 02/2024 इसी नंबर से रिलीज़ किया गया था। 15 जून 2024 से 15 मई 2024 तक इसकी डेट रखी गई थी। अब ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न से जो डेट है वो बढ़ा दी गई है, 15 मई से लेकर 6/2024 तक शाम 5 बजे तक। और यहाँ पर आप सीधे मैं आपको बता दूँ, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है वो रहेगा एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, मैनेजमेंट ट्रेनी वालों के लिए कोई भी गेट क्वालिफाइड या ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया है, तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और इसके अलावा यहाँ पर आप बेसिक पर्सनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपलोड कॉपी और सब कुछ आपको रिलेवेंटली लगाना होगा, और डेट मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो ये थी कुछ खास इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के लिए। और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और SND एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।